नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर की ओर रुख करने का। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां दो अनुदेशकों ने विद्यालय का माहौल खराब कर रखा है, जिसका असर सीधे बच्चों के शिक्षण कार्य पर पड़ रहा है। अनुदेशकों की अराजकता के चलते विद्यालय स्टाफ बच्चों सहित विद्यालय में कैद होकर शिक्षण कार्य करने को मजबूर है। ये उत्तर प्रदेश का इकलौता विद्यालय होगा जहाँ शिक्षक और बच्चे स्कूल गेट पर ताला लगाकर पढ़ाने को मजबूर हैं। विद्यालय में पढ़ने आने वाले छात्र छात्राओं ने बताया कि विद्यालय की अनुदेशक अभिलाषा और पूजा देवी मिलकर स्कूल आने वाले बच्चों को भगा देती हैं, स्कूल स्टाफ को गंदी गंदी गालियां देती हैं और स्कूल में लगे ताले को तोड़ने का प्रयास करती हैं, जिसकी शिकायत प्रधानाध्यापक ने पुलिस में दर्ज कराई है। सुनिए छात्राओं का क्या कुछ कहना है। क्या कहते हैं आपसे? कह रहे थे कि उसको सदा रहे तो ताला खोल ले, मतलब अंदर गेट खोलने आ रहा है। तो कह रहे थे कि गेट नहीं खोलेंगे तो ज़्यादा वो करे, तो कह रहे थे कि आपको मारे, आपको तो मारे तो हमको बताना। कह रहे थे हमको कभी कोई मारता भी नहीं है। कह रहे थे कि मारे तो बताना, हम उनकी चटनी बना देंगे। अच्छा, आज कितने देर तक आप लोग बाहर खड़े रही हैं? आज हम खड़े नहीं रहे थे, आज हम आ गए तो स्कूल आज खुला था। क्या नाम है आपका? हैं कविता। क्या घटना होती है स्कूल में? कुछ प्राथमिक विद्यालय लोधी पुनिवार में पढ़ती हूँ। मैम आती हैं, सबको गालियाँ देती हैं और ताला तोड़ती हैं। और कह रही थी ताला नहीं टूट रहा था, तो कह रही थी कि सर को फोन आया कि ताला खोल दो। अच्छा, फिर सर ने शिकायत की किसी से? नहीं। आप लोगों से क्या कहती हैं? हमें कहती हैं कि तुम स्कूल मत जाया करो, हमको आते हैं तो ताला में वहीं पकड़ के खड़ी हो जाती हैं। क्या नाम है आपका बेटा? अंबिका। पढ़ती हूँ। मैम आती हैं, ताला तोड़ती हैं, सर को स्कूल नहीं आने देती हैं, ताला का पकड़ के खड़ी हो जाती हैं, गाली देती हैं। तो इसकी शिकायत आपने किसी से की थी? सर से की थी। क्या कह रहे थे सर? सर कह रहे थे कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। निवादा में पढ़ते हैं, वो आते हैं कोई हमें आने नहीं देती स्कूल। कौन मैडम है जो परेशान कर रही है? अभिलाषा मैम पूजा। क्या कहते हैं? कहते हैं कि वहाँ ना जाओ। कहाँ? स्कूल नहीं जाओ। अच्छा, और क्या कहते हैं? कभी ताला तोड़ते हैं, कभी अल्लाह बचाते हैं। ये ताला ला कब तोड़ा इन्होंने? कल। क्या नाम है आपका? ईशा। दरअसल पूरा मामला उच्च प्राथमिक विद्यालय लोदीपुर निवादा का है, जहां पर संबद्ध दो अनुदेशकों ने स्कूल को सर पर उठा रखा है। स्कूल आने वाले बच्चों को भगा देना, स्टाफ को भद्दी भद्दी गालियां देना, ये उनकी रोज की आदत हो गई है, जिससे आजिज होकर प्रधानाध्यापक धर्मेंद्र सिंह ने फोन मिलाकर पुलिस को बुला लिया और मामला थाने पहुंच गया, जहां मामला स्कूल का देखते हुए थाना प्रभारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर पर निपटाने की बात कही। बीएसए आलोक सिंह ने बताया कि 3 सदस्यीय टीम इस मामले की जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट आते ही कार्यवाही की जाएगी। वहीं मामले को लेकर इंचार्ज प्रधानाध्यापक धर्मेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अक्टूबर 2023 को मूल विद्यालय के अनुदेशक, दोनों बहनें थी खेल के अनुदेशक थी, वो यहाँ से मूल विद्यालय के लिए कार्यमुक्त हो गई। किसी भी विद्यालय में, तो मेरे विद्यालय में पद सृजन नहीं है इनका। पद सृजन ना होने के बावजूद जबरन ये धरने पे बैठी थी। 18 जनवरी 2018 को धरने पे बैठी थी। उसके दबाव में प्रशासन ने जबरन मेरे यहाँ इनको लगा दिया। फिर महानिदेशक महोदय का जब आदेश आया कि इनको अपने मूल विद्यालय भेजना, तो मूल विद्यालय भेज दिया गया। लेकिन वो मूल विद्यालय ना जाकर यहीं आतंक किए, जबरदस्ती विद्यालय आना, गाली गलौज करना, बदतमीजी करना। हमारे विद्यालय का माहौल इसलिए बहुत ख़राब हो रहा है। 325 संख्या हुआ करती थी हमारे विद्यालय की, कंपोजिट विद्यालय मेरा, तो उस विद्यालय में अब 140 बची हैं। इस तरह से बच्चे नाम कटा रहे हैं। और अब ताज़ा घटनाक्रम कल परसों ये हुआ कि विद्यालय के हम लोग, इन्होंने बूथ पे कब्जा कर लिया था, यहाँ बूथ था वो कब्जा कर लिया था, एसडीएम साहब ने बड़ी मुश्किल से खाली करा पाया था। परसों के दिन से अब वो गेट, पहले गेट पे आके ताला की फ़ोटो खींच के जाती थी, लेकिन अब क्या हुआ, परसों के दिन से ताला पकड़ के खड़ी हो गई। अब इनको हटाने का प्रयास कौन हटाएगा? हटना नहीं, जब हटना नहीं
डेढ़ घंटे तक स्टाफ हमारा बस स्टैंड बैठा रहा, मतलब वहाँ से जो आता था वो लौट जाता था, क्योंकि इनका इस तरह का माहौल बहुत ख़राब है। तो बड़े मुश्किल से वो हुआ, गाली गलौज करना, बच्चे भगा देना कि नहीं किसी को पढ़ाने देना है, इस तरह का इनका वो चल रहा है। और जब हटी नहीं गेट से, तो फिर मैंने डायल 112 बुलाया, 112 की बुलाने पर भी नहीं माने प्रशासन। फिर उन्होंने कहा आप थाने जाइए, थाने गए, इस तरह का घटनाक्रम चल रहा है। फिर BSA साहब को दिया, 2 बजे के बाद जाकर BSA साहब को लिख के दिया। तो BSA साहब ने क्या आश्वासन दिया? BSA साहब ने कहा कि हम जल्द ही कार्रवाई करते हैं, केवल आश्वासन दिया है, कोई ठोस कार्रवाई भी करनी। शुभ नाम क्या सर आपका? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह नाम हूँ, मैं यहाँ इंचार्ज प्रधानाध्यापक। कौन सा गाँव है ये? निवादा है, लोधी बनी। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। देखा जाए तो प्रदेश सरकार 100% नामांकन कराने पर जोर दे रही है। ऐसे में सरकारी स्कूल में शिक्षकों की चल रही आपसी खींचतान से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जिस स्कूल में बच्चों की संख्या 350 होती थी, अब वो महज केवल 140 बच्चों पर रहकर टिक गई है। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे में दोषी शिक्षकों पर शिक्षा विभाग क्या ठोस कार्यवाही करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।